ग्रामीण सेवा ट्रस्ट द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बलवदा अस्पताल सतनाली में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि रक्त के दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, यह किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है। युवाओं को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त दान करें। शिविर का शुभारंभ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में डॉक्टर सुरेंद्र के मार्गदर्शन में करीब 64 युवाओं ने रक्तदान किया। डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि रक्तदान से शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती तथा युवाओं में रक्तदान करने के पश्चात नया रक्त बनता है जो शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करता है। रक्तदाताओं को ट्रस्ट की ओर से बैज व प्रमाण पत्र भी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक बलवदा, प्रमोद कुमार, जोनी शेखावत, महेश प्रेमी सहित अन्य गणमान्य लोग मौके पर मौजूद थे। सतनाली से सुनील तंवर की रिपोर्ट। ये रक्तदान शिविर हमने लगाया था आज 12 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, तो जिन भी भाइयों ने हमारी मदद की उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस रक्तदान शिविर को पहले हमारी संस्था की तरफ से पहला रक्तदान शिविर था और इसको इतना सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन भी रक्तदाताओं ने हमारी मदद की या जिनने करनी चाहिए, सब स्टाफ मेंबर का, नारनोल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जो छोटी सी पहल ग्रामीण सेवा संस्था ने एक रक्तदान शिविर लगाया जिसमें 64 यूनिट ब्लड आया है और मैं मानता हूँ कि ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही बार में इतना अच्छा जो समर्थन और सपोर्ट किया है, क्योंकि एक रक्तदान जो होता है वो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महादान है, इससे हम डायरेक्ट किसी के जीवन को बचा सकते हैं।